अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस नोट्स। स्टूडेंट्स पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान, हम एक्सरसाइज 1.3 पर हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, लेट ए बी एंड सी बी एनी सेट्स। हमारे पास ए बी और सी कोई भी सेट हैं, हमने वो लेट कर लेने हैं। और फिर हमने जो ये हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। ये जो कंडीशन हमें दी हुई है ये हमने वेरीफाई कर ली। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ए बी सी तीन सेट लेट कर लेने हैं और फिर हमने इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन सिंपल सा है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हमने जो सेट लेट करने हैं हम देखते हैं, ए सेट, ए हमने खुद से जो लेट किया है वो है 1, 2, 3 से 10 तक। तीन सेट हमें कहे गए थे हमने लेट करने हैं। अब हम इसी तरह एक सेट बी लेट कर लेते हैं। बी में हम इवन नंबर्स करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। हमने दो सेट लेट कर लिए हैं, हमारे पास सेट ए भी आ गया है और सेट बी भी आ गया। अब हमने देखने हैं सेट सी, सेट सी भी हमने खुद लेट करना है। तीनों सेट स्टूडेंट्स हमने खुद से लेट करने हैं और मैं सेट सी लेट कर रही हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये मेरे पास सेट सी है स्टूडेंट्स। तो अब हमने देखना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में वेरीफाई क्या करना है। वेरीफाई जो हमने करना है वो हमारे पास है, जो हमें कहा गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और इस हॉल के ऊपर सबके ऊपर बार इज इक्वल टू सी यूनियन बी, इसके ऊपर सेपरेट है इंटरसेक्शन ए और इसके ऊपर सेपरेट है। तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, वेरीफाई करनी है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें से पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ठीक है, हम पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे पहले बी वाला सेट जो कि हमारे पास है 2, 4, 6, 8, ये कहाँ तक जाएंगे, 16 तक। इंटरसेक्शन सी वाला 1, 3, 5, 7 और ये जाएगा 13 तक। तो स्टूडेंट्स हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो के है कि कॉमन एलिमेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि ए जो सेट बी है और जो सेट सी है इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ गया है, एम्प्टी सेट। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सारा फाइंड आउट करना है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट्स देखें, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास है 1, 2, 3, 10 तक, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट आया। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अब हम लोगों ने यूनियन फाइंड आउट करना था, तो यूनियन हमारे पास क्या आएगा, यूनियन में तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये तो वैसे ही एम्प्टी है, तो सारी सी बात है हमारे पास ए सेट ही हमारे पास यूनियन आएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इतनी सॉल्व हमने कर ली है।
अब क्या रह गया, अब जस्ट ये रह गया, मतलब कि अब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से भी हम डिनोट करते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि U माइनस A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C। तो स्टूडेंट्स U सेट जो है वो भी हमने खुद से लेट करना है, और U सेट हम क्या लेट करेंगे कि U सेट हमारे पास है 10 तक, और हमारे पास A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C भी हमारे पास यही आया है 1, 2, 3 से 10 तक। स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि वो एलिमेंट्स सेट U के जो इसमें ना हो, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों सेट बिल्कुल सेम है, ये भी 1 से 10 तक है, ये भी 1 से 10 तक है, तो इनका तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास U माइनस A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया है आंसर, एक एम्प्टी सेट हमारे पास आया है। तो स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक बात आई होगी कि U सेट हमें जबकि दिया नहीं है तो हमने कहाँ से लिया, तो हमने U सेट खुद से लेट किया, जैसे हमने A, B और C तीनों सेट्स खुद से लेट किए थे, इसी तरह हम यहाँ पे U सेट भी हमने खुद से लेट करना था क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास U सेट था। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, C यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम C यूनियन B फाइंड आउट करते हैं, तो C यूनियन B हमारे पास क्या आएगा, पहले हम सेट C लिखते हैं। सेट C में हमारे पास एलिमेंट्स थे 1, 3, 5, 7, तो स्टूडेंट्स C यूनियन B हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 16। ये हमारे पास C यूनियन B आ गया। स्टूडेंट्स अब आप लोग देख सकते हैं कि, तो स्टूडेंट्स हम अब C यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो हम U माइनस C यूनियन B कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास U सेट है और ये हमारे पास वो सेट है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था C यूनियन B का। तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, हम U माइनस C यूनियन B करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो आएंगे एलिमेंट्स, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं U सेट के जो के C यूनियन B वाले सेट में ना हो। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि U सेट में 10 एलिमेंट्स हैं 1 to 10, और 1 to 10 एलिमेंट्स हमारे पास C यूनियन B में हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा एक एम्प्टी सेट। तो हमारे पास एम्प्टी सेट है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, हमने ये इतनी चीज़ फाइंड आउट कर ली है, अब हमने A कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट करना है और फिर हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास होगा U माइनस A, तो ये हमारे पास U में आएंगे 10 तक एलिमेंट्स माइनस, और A में भी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 10 तक ही हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसमें भी 10 एलिमेंट्स, इसमें भी 10 एलिमेंट्स, तो ये एक हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। अब हम इस पूरी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे यहाँ C यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ये भी एम्प्टी सेट आया, इंटरसेक्शन ये भी एम्प्टी सेट आया, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये भी एक एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स तो कोई है नहीं जिनका हम इंटरसेक्शन करें या कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आया था, और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में भी एक एम्प्टी सेट आया। तो स्टूडेंट्स बोथ साइड्स इक्वल आए हैं, बोथ साइड्स पे एम्प्टी सेट्स आए हैं, तो हमने जो हमें ये कंडीशन क्वेश्चन नंबर 7 में दी गई थी हमने ये वेरीफाई कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। देखें क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सपोज दैट द यूनिवर्सल सेट यू, हमें एक सेट यू दे दिया गया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 to 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स विद बिट स्ट्रिंग्स। उन्होंने कहा है कि बिट स्ट्रिंग्स के फॉर्म में
इन्हें एक्सप्रेस करें जो नीचे हमें सेट्स दिए हुए हैं, पार्ट्स जो दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, बिट्स एंड स्ट्रिंग्स में हमने दो चीज़ों से इन्हें करना है, एक ज़ीरो होगा और एक वन। अब हम देखें कि ए सेट में जो हमारे पास सेट ए है उसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं जैसा कि, तो हमने ये जो तीन एलिमेंट्स हैं इनको हमने वन से कर देना है। हमने एक बिट्स स्ट्रिंग्स हमने इस तरह लिखनी होती है कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस सेट में उनको हमने वन के साथ डिनोट करना है, और जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं उनको हमने ज़ीरो के साथ डिनोट करना है। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से इसकी समझ आएगी, बट हमने इसमें यूज जस्ट टू थिंग्स करनी है, एक ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, और जो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हमें दिया गया है, एक ए सेट हमें उन्होंने दिया है, और ए सेट में एलिमेंट्स क्या हैं, थ्री फोर और फाइव। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले ये बात कर ली है कि जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे वन से, और जो एब्सेंट होगा उसको डिनोट करेंगे ज़ीरो से। स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हैं। अब देखिए, अब ये सेट है, पहले वन इसमें है, इस सेट में नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम वन नहीं है तो वन की जगह पे ज़ीरो लिख देंगे कि ये एब्सेंट है इस सेट में। अब हम टू को देखते हैं तो टू भी नहीं है तो हम वो भी ज़ीरो लिख देंगे। थ्री है तो थ्री की जगह हम स्टूडेंट्स वन लिख देंगे। फोर भी है तो हम वन लिख देंगे। फाइव जो है ये इस सेट में है तो हम इसकी जगह पे भी वन लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि इसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सेट में नहीं है, तो इन सब की जगह पे हम ज़ीरो लिखेंगे। तो सिक्स की जगह पे भी ज़ीरो, सेवन की जगह पे ज़ीरो, एट की जगह पे ज़ीरो, नाइन की जगह पे ज़ीरो, और टेन की जगह पे भी ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन का बिट्स स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने इन्हें यू एक्सप्रेस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसका पार्ट टू देखते हैं। पार्ट टू में हमारे पास एक बी सेट दिया हुआ है, और उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं वन, थ्री, सिक्स और टेन। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन्हें बिट स्ट्रिंग्स के फॉर्म में लिखते हैं। देखें, वन है तो हम वन ही लिख देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट है। उसके बाद टू है, टू नहीं है। थ्री है, जी थ्री इसमें है तो हम वन लिखेंगे। फोर भी नहीं है, फाइव भी नहीं है, सिक्स है, सेवन नहीं है, एट नहीं है, नाइन नहीं है, और फिर टेन भी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इन्हें बिट स्ट्रिंग्स के फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट वन और पार्ट टू मैंने करवा दिया है, पार्ट थ्री आप इसका खुद करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पार्ट थ्री है इसका, वो हमारे पास है ए यूनियन बी। सॉरी, पार्ट थ्री तो आपने खुद सॉल्व करना है, पार्ट फोर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट फोर हमारे पास है ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स, ए सेट हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट में ए सेट दिया है और सेकंड पार्ट में बी सेट दिया है, तो इनका पहले हम लेंगे यूनियन। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हमारे पास यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। वन, इस सेट का और इस सेट का यूनियन ले रहे हैं हम, वन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और टेन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएंगे यूनियन करके। अब हमने इनको बिट से स्ट्रिंग्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे लिखेंगे? अब ये एक किस्म का हमारे पास सेट आ गया, जिस तरह हमारे पास ये सेट से और हमने इसको इसके अकॉर्डिंगली लिखे थे। तो स्टूडेंट्स, वन जो कि हमारे पास है तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वन। टू एब्सेंट है, थ्री है, फिर फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन एब्सेंट है, एट एब्सेंट है, नाइन एब्सेंट है, और फिर टेन भी है। तो स्टूडेंट्स, ये फोर पार्ट था, और फाइव पार्ट में देखें ए इंटरसेक्शन बी कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, जस्ट थ्री आएगा। तो जो थर्ड वाली एंट्री होगी वहाँ पे हमारे पास आएगा वन, बाकी सारे हमारे पास हो जाएंगे ज़ीरो। तो फोर वाला आपने फोर फाइव हो गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आपने सी वाला जो सेट है थ्री, आपने देखा होगा कि थर्ड पार्ट में सी सेट दिया हुआ है। सी सेट हमें दिया है टू, थ्री, फोर, सेवन, एट, नाइन। तो स्टूडेंट्स सी सेट जो कि हमारे पास पार्ट थ्री में दिया हुआ है, सी सेट हमें पार्ट थ्री में क्या दिया था, टू, थ्री, फोर, सेवन, एट, नाइन। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसका पार्ट सिक्स को सॉल्व करने के लिए हमने पहले इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यू सेट वो जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो स्टूडेंट्स हम उसको यूज़ करेंगे, यू माइनस सी करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा वन, फाइव, सिक्स और टेन।
स्टूडेंट्स हमारे पास ये आएगा। अब हम इसे इन्हें बिट सेटिंग्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वन हमारे पास है सी कॉम्प्लीमेंट में, ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट था। तो स्टूडेंट्स वन है, वन की जगह पे वन आएगा, टू नहीं है, थ्री भी नहीं है, फोर भी नहीं है, फाइव है, सिक्स है, सेवन भी नहीं है, एट भी नहीं है, नाइन भी नहीं है और टेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट सेवन जो है उसमें आपने ए माइनस बी करना है और जो फिर सेट आएगा आपने उसको बिट सेटिंग्स में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर एट में हमने बी माइनस ए करना है और नाइन वाला जो पार्ट है उसमें ए एक्सक्लूसिव बी करना है। तो स्टूडेंट्स ए एक्सक्लूसिव बी ये वाला मैं आपको करवा देती हूँ, फिर भी ए एक्सक्लूसिव बी। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने पीछे ए एक्सक्लूसिव बी पढ़ा था और ए एक्सक्लूसिव बी हमारे पास था क्या, हमारे पास था ए एक्सक्लूसिव बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी ये हमने शुरू में जो क्वेश्चन नंबर सिक्स था उसमें हमने ये फाइंड आउट किया था और हमारे पास क्या आया था, ये वाली बिट सेटिंग्स आई थी, ए यूनियन बी हमने किया था। तो हम इसकी जगह पे ये लिख लेते हैं, ए यूनियन बी की जगह पे हमारे पास वो पहले से हमने जो सॉल्व किया हुआ था वो आ जाएगा, फाइव सिक्स टेन। अब ए इंटरसेक्शन बी ये हमने सॉल्व नहीं किया खुद क्वेश्चन, तो हम ए इंटरसेक्शन बी भी स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि क्या है। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आएगा ए और बी, जो दो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन हम लेंगे। स्टूडेंट्स ए और बी का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास सिर्फ आया जो कॉमन एलिमेंट था ए और बी में वो था क्या, थ्री। आप लोग खुद भी ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, थ्री आएगा। ए सेट में थ्री फोर फाइव थे और बी सेट में वन थ्री सिक्स टेन एलिमेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स थ्री जो था हमारे पास वो एक कॉमन एलिमेंट था ए और बी सेट में, तो अब हमने इनको माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, वन फोर फाइव सिक्स और टेन। स्टूडेंट्स अब हम इसको लिखेंगे बिट सेटिंग्स में तो वो हम कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इधर लिखते हैं, वन है तो वन आ जाएगा, टू नहीं है, थ्री नहीं है, फोर है, फाइव भी है, सिक्स भी है, सेवन नहीं है, एट भी नहीं है, नाइन भी नहीं और टेन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट नाइन भी मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें उन्होंने कहा है कि आपने सेम यूनिवर्स, स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर नाइन में उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल सेट जो क्वेश्चन नंबर एट में दिया हुआ है आपने वही यूज़ करना है और आपने फाइंड द सेट स्पेसिफाइड बाय द बिट सेटिंग्स। और ये इसमें आप देखें बिट सेटिंग्स दे दी गई हैं, हमने इनसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे पिछले सेट में यूनिवर्सल सेट के नंबर्स दिए हुए थे वन से टेन और हमने इनसे बिट सेटिंग्स की थी, अब हमारे लिए काम और आसान हो गया क्योंकि जो जहाँ पे वन लिखा होगा मतलब कि वो वाला डिजिट हमारे पास प्रेजेंट है और जहाँ जीरो वो एबसेंट है, तो हमने अब बिट सेटिंग्स लिखनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर नाइन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यू सेट जो कि हमने सेम यूज़ करना था क्वेश्चन नंबर एट वाला, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है वो है वन 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 वन, फिर नेक्स्ट है डबल ज़ीरो, फिर नेक्स्ट है वन 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 वन। तो स्टूडेंट्स अब देखें पहला एलिमेंट वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट है, मतलब कि जो हमारे पास ये वाला वन है वो प्रेजेंट है तो वो आ गया ये कि, अब इसका मतलब है कि सेकंड एलिमेंट भी हमारे पास प्रेजेंट है तो टू भी प्रेजेंट है, थर्ड एलिमेंट भी प्रेजेंट है, फोर्थ एलिमेंट भी प्रेजेंट है। अब जीरो जीरो मतलब कि दो एलिमेंट्स यहाँ पे एब्सेंट हैं इस सेट के, तो कौन से वाले दो एब्सेंट हैं, फाइव और सिक्स, तो हम ये नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है अब हमारे पास वन, मतलब कि अब नेक्स्ट ये दो एब्सेंट है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास वन आया है तो मतलब कि सेवन भी हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट सारे ही वन है तो एट नाइन और टेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आया है वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन। अब हम इन्हें सेट की फॉर्म में लिख देते हैं कैसे, वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन और टेन, हमने इन्हें सेट की फॉर्म में लिख दिया है स्टूडेंट्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर नाइन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है।
अब हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें बताया 01 0 111, फिर उसके बाद 1 000। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, 0 पहला मतलब कि पहला एलिमेंट हमारे पास एबसेंट है, मतलब कि 1 हमारे पास अब नहीं आएगा। दूसरा उन्होंने कहा है 2 है, तो 2 हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। 3 भी एबसेंट है, फिर 4 5 6 7 ये हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम कोई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट सारे 0 हैं, मतलब कि एबसेंट हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ थर्ड वाला पार्ट इसका, वो हमारे पास हैं सारे 0। कुछ यूँ हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ज़ाहरी सी बात है कि इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट प्रेजेंट है और लास्ट वाला, तो पहला एलिमेंट 1 था हमारे पास यूनिवर्सल सेट में और लास्ट एलिमेंट 10 था, तो जस्ट 1 और 10 हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स अब हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स इनका सॉल्यूशन, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए लेकिन फिर भी मैं इनका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ तक आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।